अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी। स्टार्ट करते हैं जी अपने सेशन को। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने के लिए जा रहा है इंशाल्लाह ताला। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जस्ट लाइक इट्स अ गोल्ड क्लब। और इन द मीनवाइल मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बेशक अपने माइक्स को जोन्स है वो म्यूट पे रखिएगा, वैसे तो मैंने लॉक किए हुए हैं। सेकंडली बहुत सारे लोगों के कैमरा जोन्स है वो ऑन है। आप लोग अपने क्वेश्चन जोन्स है उसके लिए हैंड रेज करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली अपने हैंड्स को भी फिलहाल रेज मत कीजिएगा। उसकी रीजन ये है कि लोगों को कैमरे में थोड़ा सा देखने में ट्रबल आता है इससे, तो मेरे पास ये रिक्वेस्ट आती है, मैंने कहा आप लोगों से आगे फर्दर रिक्वेस्ट कर देता हूँ। तो काइंडली जोन्स है आपका कोऑपरेशन मुझे चाहिए होगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं जी अपने इस सेशन को। आई नो बहुत सारे लोगों ने नमाज भी पढ़नी है, नमाज का भी टाइम हुआ है। अगर हमारा सेशन चलता रहा, नमाज का टाइम आ गया, वी विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक फॉर दैट एज वेल। ठीक हो गया जी? तो स्टार्ट करते हैं जी ओरिजिनल क्लैप के साथ जी। आपको तरीका क्या पता है, सो आई एम गोइंग टू डू इट। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम लोग इंशाल्लाह ताला सून इन द फ्यूचर फेस टू फेस भी यही क्लैप कर रहे होंगे जी। सो आर यू रेडी गाइस? 1 2 3 ओरिजिनल, यस पाकिस्तान जिंदाबाद नंबर 1। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है आज का हमारा ये जो सेशन है That is related to Gold Club launch. ये लॉन्च तो हो चुका है, आपको पता है 1st of Feb का। लेकिन आप लोग जब रिक्वेस्ट करते थे, आप पूछते थे, तो आप लोगों को हम कहते थे कि थोड़ा वेट कीजिए, हम इसके लिए आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग अरेंज करेंगे, एक सेशन अरेंज करेंगे, जिसमें वी विल फाइंड आउट कि आप लोग किस तरीके से जोन सा इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद इसके बेनिफिट्स को हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ आज आपको ये भी पता चल जाएगा क्या ये क्लब, क्या ये इसकी अगर आप मेंबरशिप हासिल करते हैं तो क्या आपको इसका फायदा फ्यूचर में होने के लिए जा रहा है या नहीं होने के लिए जाएगा आप लोगों के लिए। तो वी विल सी कि आप लोगों से हमें क्या चाहिए, वी विल टॉक अबाउट इट। हम एक्सपेक्टेशन सब भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और साथ साथ आपको इस क्लब की डिटेल्स बता रहे होंगे, और इसके साथ साथ आप लोगों के साथ हम एक बहुत ही अच्छे वे के अंदर इसका तरीकाकार के हाउ टू गेट रजिस्टर्ड विद दिस क्लब ये भी आपको आज हम बता रहे होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गोल्ड क्लब, इसके बारे में हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं, इसके बेनिफिट्स देखेंगे। आपको पता है ये जो साल हमारा स्टार्ट हुआ है, मैं तो इसको कहता हूं कि ये साल अपॉर्चुनिटी का साल है। ये एक ऐसा साल है, जैसे कि सर ताहिर ने भी कहा था कि ये साल आपके आने वाले कई सालों की बुनियाद रखेगा आप लोगों के लिए और आप लोगों की फैमिलीज के लिए। ये साल एक ऐसा साल साबित होने के लिए जा रहा है जो कि आपको स्टेबल बिजनेस दे सकता है। आपको पता है इसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आई हुई हैं। अगर हम बात करते हैं नए लोगों से लेके हमारे पास पुराने लोगों तक के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लॉन्चेस हुई हैं, जिसमें स्पीड बोनस है, एंटरप्रेन्योर बोनस है, जिसमें हमारे पास इग्नाइट टू सक्सेस यानी कि मैनेजर ग्रोथ प्रोग्राम बोनस उसके अंदर भी हमारे पास मौजूद है। फिर हमारे पास डबल द स्पीड वाली ऑप्शन मौजूद है जी। उसके साथ साथ हमारे पास आपको पता आप टाइटल्स आप 3 महीने में भी हासिल कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टर नहीं बने। 3 माह अगर आप अपना सीनियर मैनेजर टाइटल मेंटेन करते हैं, आपने पहले कभी नहीं किया, तो आप लोग जोन्स हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ साथ आपको 50% ऑफ द कैश अवार्ड भी मिलता है। लेकिन जिस ऑप्शन की आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ये हम कहते हैं दिस इज द लॉन्च ऑफ द ईयर। वो लोग जो कि ओरिफ्लेम के साथ कैरियर बनाना चाहते हैं, ओरिफ्लेम के बेनिफिट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, ओरिफ्लेम के लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं, और एक्चुअली ट्रू मीनिंग में ओरिफ्लेम का मतलब जानना चाहते हैं, तो ये क्लब उन लोगों के लिए है। अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग तरक्की करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप लोगों के नेटवर्क में, आप लोगों की टीम में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो के जिनको मौका नहीं मिल रहा, जिनको एक्सटेंसिव सपोर्ट नहीं मिल रही, एक्सटेंडेड सपोर्ट नहीं मिल रही, कोई ऐसा प्रोग्राम उन लोगों के लिए नहीं है। सो दिस इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ दोस सच पीपल जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं। वंस अगेन इसमें जैसे कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, इंशाल्लाह ताला विल ट्राई कि हम उसको फुलफिल करें और आप लोगों को एक अच्छे टाइटल की तरफ एक सक्सेसफुल वे में स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलें। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे होंगे कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, तो हम उसके बारे में भी ब्रीफली बात करेंगे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द गोल्ड क्लब नाउ कि गोल्ड क्लब है क्या जी। तो आगे चलते हैं जी, द गोल्ड क्लब के मेंबर आप कैसे बन सकते हैं, इसमें बेनिफिट्स कौन कौन से उनको हम देखेंगे थोड़ा सा जी। सबसे पहले आपको बताया कि हमारे पास गोल्ड डायरेक्टर बनने पे जो कैश अवार्ड था वो कितना था, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू सी इन द कमेंट्स यहाँ पे से कितने लोगों को नॉर्मल
गोल्ड डायरेक्टर का जो कैश अवार्ड है उसका पता है, तो कितना कैश अवार्ड है जी गोल्ड डायरेक्टर बनने का? आई कैन सी मैसेजेस, वाओ, आई कैन सी अ लॉट ऑफ मैसेजेस। इनमें से एक मैसेज में मेरे पास आया हुआ है, वुडन नेम दैट ब्रांड पार्टनर, जिन्होंने लिखा हुआ है कि 25,000 का। So it's actually 2 lakh rupees. Mostly लोगों ने जिन्होंने reply किया comments में, they're absolutely right and correct कि 2 lakh रुपए का इसका cash prize होता है। लेकिन what about gold club? Gold club में शामिल होके क्या हो सकता है? Gold club में शामिल होके आपका ये cash award क्या ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसकी details जोन सी है, हम अब देखने के लिए जा रहे हैं कि ये क्या चीज है gold club। ठीक है जी, तो गोल्ड क्लब का मेंबर बनने के बाद अगर आप अपना गोल्ड डायरेक्टर टाइटल क्लोज करते हैं 2021 दिसंबर, यानी कि इस साल दिसंबर से पहले आप गोल्ड डायरेक्टर टाइटल का अपना टाइटल क्लोज कर लेते हैं, तो आपको मोर देन डबल कैश अवार्ड मिल रहा है जी, बिल्कुल 4,20,000 रुपया। ये ऑप्शन एक्सक्लूसिवली गोल्ड क्लब मेंबर्स के लिए है। तो वो लोग जो कि गोल्ड क्लब के मेंबर बनेंगे वो अपना कैश अवार्ड मोर देन डबल कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा इसमें बेतहाशा बेनिफिट्स और मौजूद हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि ये 4,20,000 रुपया भी आपको 3 months क्वालिफाई करके इसका 50% और बाकी का 50% भी आपको आफ्टर 3 months क्वालिफाई करके मिल सकता है। तो आप लोगों के लिए डबल ऑफ द स्पीड का इम्पैक्ट भी इस ऑप्शन के ऊपर भी आ रहा है। आप लोग जोन से हैं इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2 lakh रुपए नॉर्मल कैश अवार्ड है, अब 4,20,000 हो गया है। डबल होता तो 4 lakh होता, लेकिन इसमें 20,000 रुपए एडिशनल आ गया है। इट इज मोर देन डबल बेसिकली। तो 4,20,000 रुपए का कैश अवार्ड है अगर आप गोल्ड डायरेक्टर टाइटल क्लोज करते हैं अपना 2021 दिसंबर से पहले। लेकिन जैसे कि आपको याद हो, हमने एक लाइव इवेंट किया था जिसमें मैंने खास तौर पर ताहिर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि सर बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि दिसंबर में ही जनवरी में क्लोज कर लें, फरवरी में क्लोज कर लें, तो उन लोगों के लिए क्या होगा? तो एज अ स्पेशल रिक्वेस्ट हमने ये चीज कर दी कि हमने इसको एक्सटेंड कर दिया दिसंबर 2022 तक। तो अगर आप गोल्ड क्लब के मेंबर बन जाते हैं, आपकी ये रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है, तो आप लोग दिसंबर 2022 से पहले भी गोल्ड क्लब गोल्ड टाइटल क्लोज करके आप लोग अपने कैश अवार्ड को डबल कर सकते हैं। मींस के यू कैन मेक इट 4 lakh इंस्टेड ऑफ 2 lakhs। ठीक है, लेकिन 2022 में एक चीज पॉइंट नोट रखिएगा, वो ये है कि आप लोगों का कैश अवार्ड डबल हो रहा है, मोर देन डबल नहीं हो रहा, और 20,000 का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन स्टिल इट इज टू गुड व्हेन इट कम्स अलोंग विद ऑल द अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स। आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग ऑप्शन, क्योंकि गोल्ड क्लब के मेंबर लेस है। अगर वो 12% से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी करंट टाइटल उनका 12% है जो कि उन्होंने हाईएस्ट अचीव किया हुआ है, तो साथ साथ वो मैनेजर बोनस भी क्वालिफाई कर रहे होंगे जिसे हम इग्नाइट टू सक्सेस कहते हैं। उसके साथ साथ वो अपना डायरेक्टर कैश अवार्ड भी विन कर रहे होंगे, वो भी उनको डबल ऑफ द स्पीड इम्पैक्ट के साथ मिल रहा होगा। और साथ साथ वंस अगेन द टारगेट इज टू बिकम गोल्ड डायरेक्टर, और हमारा टारगेट इस क्लब के मेंबर्स के लिए सिर्फ ही होगा कि हम उनको गोल्ड डायरेक्टर बनाएं। उसके लिए वी हैव मल्टीपल थिंग्स जिसको हम आगे चल के देखते होंगे, लेकिन वंस अगेन थोड़ा सा और डिटेल्स को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। जैसा कि भी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इट्स 4 lakh रुपीस जो कि आप 2022 तक हासिल कर सकते हैं इस क्लब का मेंबर बन के, सिर्फ गोल्ड डायरेक्टर के कैश अवार्ड के अंदर। नाउ अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देर आर मल्टीपल अदर बेनिफिट्स, वी हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर एवरीबॉडी। अगर हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो कि 0% वाले हैं, 3% वाले हैं, 9% वाले हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि दे एक्चुअली वांट टू वर्क फॉर दैट, ठीक है, तो उन चीजों को उनकी उनसे भी हमारी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो देर आर सर्टेन अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लाइक आपको एक्सेस मिलेगा डिजिटल ट्रेनिंग्स के ऊपर, लाइब्रेरी के ऊपर, जहां पे आपको ऑनलाइन वीडियोस और जो सा ट्रेनिंग्स अवेलेबल की जाएंगी स्पेशली आप लोगों की ग्रोथ के लिए। वंस अगेन जो ऑप्शन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, these are going to be exclusively for gold club members। ठीक है जी, आगे चल के हम देखते हैं लीडरशिप ट्रेनिंग होंगी, उनको लीडर कैसे बनाना है इसकी भी हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, we'll take 2 to 3 minutes break for namaz, अजान का भी टाइम हो गया है, let's take 2 to 3 minutes break and then we will resume the session after 3 or 4 minutes। Thank you for your cooperation। और नमाज के लिए 2 से 3 minutes की हम ब्रेक ले रहे हैं और फिर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच जी. कर रहे थे लाइक सर्टिफाइड ट्रेनर भी बना रहे थे हम उनको, प्लस हम उनको टीटीटी की सर्टिफिकेशन भी दे रहे थे. तो ये इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स हमारे पास एक्सक्लूसिवली गोल्ड क्लब के मेंबर्स के लिए आएंगे. इसके अलावा जो सबसे कमाल की बात है इसके अंदर, जो सबसे अमेजिंग चीज है, दैट इज स्पेशल लाइव सेशन विद द मैनेजमेंट है, जिसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था लाइव सेशन के अंदर आपको एक दफा रिमाइंड करवा देता हूँ अगर आपने वो लाइव सेशन अटेंड नहीं किया हमारा लॉन्चेस के ऊपर, तो आपको बताता चलो इसमें आपको मौका मिलेगा वन टू वन बात करने का भी और ड्यूरिंग मीटिंग सेशन के साथ भी बात करने का हायर मैनेजमेंट के साथ भी. लाइक इसमें ताहिर साहब जो कि हमारे कंट्री डायरेक्टर है वो भी आप लोगों के साथ लाइव सेशंस हमारे गोल्ड क्लब के मेंबर्स के साथ लाइव सेशंस उनको दे रहे होंगे, उनसे बात कर रहे होंगे और उनको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर भी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे. इसके साथ साथ ही ऑल्सो प्रोमिस्ड कि ही विल ट्राई कि हमारे पास जो फ्रेडरिक है जो हमारे साउथ एशिया के हेड है उनके साथ भी एक्सक्लूसिव सेशन अरेंज किया जाए गोल्ड क्लब के मेंबर्स का, और वो अपनी गाइडलाइंस अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको गाइड करके, यू नो दीज पीपल जिनके पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होता है जब वो शेयर करते हैं और हम उसके ऊपर अमल करते हैं तो हमारा काम और ज्यादा आसान हो जाता है. तो हमारे गोल्ड क्लब के मेंबर्स को ये अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि वो हमारे साउथ एशिया के हेड के साथ भी उनके भी दिए गए लाइव सेशन अटेंड कर सकें. और देयर इज अ पॉसिबिलिटी के जो हमारे ग्लोबल हेड है मैग्नस उनके साथ भी जोन्स है आप लोगों को डायरेक्टली मिलने का मौका मिले. वंस अगेन आई एम ओनली टॉकिंग टू द फ्यूचर गोल्ड क्लब मेंबर्स राइट नाउ, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ गोल्ड क्लब के मेंबर्स के पास अवेलेबल होगी. इसके अलावा आप लोगों को स्पेशल डेडिकेटेड एएसएम मिलेगा. आई नो आप में से बहुत सारे लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं और मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने लीडर के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट रेज करें या मैं उनको एक प्रॉपर चैनल गाइड कर रहा होता हूँ. गोल्ड क्लब के मेंबर्स को ये स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा कि वो डायरेक्टली अपने एएसएम के साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकेंगे. उनको एक डेडिकेटेड एएसएम असाइन किया जाएगा जो कि उनकी ग्रोथ को, जो कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप गोल्ड क्लब टाइटल की तरफ गोल्ड टाइटल की तरफ जा रहे होंगे उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, उनको टाइम टू टाइम गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा और डिफरेंट टास्क असाइन कर रहा होगा और साथ साथ उनके साथ कंटिन्यूसली इन टच भी रहेगा. तो आप लोगों को एक डेडिकेटेड एएसएम भी मिलेगा. वंस अगेन जब मैं कह रहा हूँ आप लोग मींस के जो हमारे पास गोल्ड क्लब के मेंबर्स होंगे उनकी बात कर रहा हूँ. इसके अलावा एक्सक्लूसिव मंथली ट्रेनिंग्स होंगी. वंस अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हमारा जो प्लान है दैट इज कि हम इसके अंदर हमारे गोल्ड क्लब के मेंबर्स के लिए क्लासरूम ट्रेनिंग भी करें जिसमें आप फेस टू फेस भी हमें मिलेंगे, मैनेजमेंट को भी मिल सकते हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. लेकिन वी डू हैव दैट इन प्लानिंग कि हम आपके लिए कुछ सेशन ऐसे भी अरेंज करेंगे जो कि खाली ऑनलाइन नहीं होंगे, फेस टू फेस भी होंगे. एंड वंस अगेन दीज आर ओनली गोइंग टू बी फॉर गोल्ड क्लब मेंबर्स, एक्सक्लूसिव सेशन होंगे क्योंकि इसके अंदर हम उनको उनके साथ उनके प्लान के मुताबिक चीजें डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे होंगे, गोल्ड क्लब के मेंबर्स के लिए लेके आ रहे होंगे. दीज आर एक्स्ट्रा बेनिफिट जिनकी अभी हमने बात की है. आगे चल के हम थोड़ी सी मजीद डिटेल्स को देखते हैं इसका फायदा क्या होगा, गोल्ड डायरेक्टर बनने का क्या फायदा होता है. देखें जब आपका जर्नी ओरिफ्लेम में स्टार्ट होता है 0% से, एट टाइम्स आप हमारे कंज्यूमर होते हैं, समटाइम्स आप ओरिफ्लेम का जर्नी स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपना कैरियर बनाना चाह रहे होते हैं, आपको एक अच्छा लाइफ स्टाइल, आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए होती है. तो हम कहते हैं अगर आपने ओरिफ्लेम का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, आप एक्चुअली ओरिफ्लेम का लाइफस्टाइल क्लोजली देखना चाह रहे हैं, एक मौका है गोल्ड डायरेक्टर बन जाना. तो अगर आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं तो सबसे पहले तो आपकी इनकम स्टेबल हो जाती है. ठीक है, आप एक ऐसे मौके एक ऐसे मुकाम को हासिल कर लेते हैं जहां पे आपका व्यू ब्रॉडर हो जाता है, फिर आपको समझ आ जाती है इस चीज की कि अब मैंने मजीद आगे कैसे बढ़ना है. इनकम भी स्टेबल होती है, नेटवर्क भी अच्छा होता है, आपके पास दो स्प्लिट्स होती है. ठीक है, उसके साथ साथ आप गोल्ड क्लब के अगर लैसे मेंबर हैं या नहीं है, गोल्ड क्लब अगर आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं खाली, तो उसका एक पर्क होता है कि आप इंटरनेशनल गोल्ड कॉन्फ्रेंस को भी साथ ही क्वालिफाई कर जाते हैं. क्योंकि अगर हम जीसी की बात करते हैं, अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस यू विल एवर एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट वन, हो सकता है ऐसे बेहतर भी हो, लेकिन वी आर गोइंग टू लंडन इन 2022. आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए. आप यकीन करें ये डेस्टिनेशन से देर आर मल्टीपल लीडर्स, देर आर मल्टीपल पीपल जो इस डेस्टिनेशन से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और उन्होंने इस डेस्टिनेशन की वजह से अपना टारगेट गोल्ड डायरेक्टर बनना जो है वो इस वक्त उन्होंने बना लिया कि दे वांट टू बिकम गोल्ड डायरेक्टर.
क्योंकि होता क्या है जी, जब आप वो जिस को क्वालिफाई कर रहे होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको 18 ग्रुप्स चाहिए होते हैं, और साथ साथ अगर आपका गोल्ड डायरेक्टेड टाइटल नहीं भी क्लोज होता तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल 6 LCS कर लेते हैं तो आप फर्स्ट टाइम क्वालिफाई कर जाते हैं जीसी को भी। अब आपको कट शॉर्ट बता देता हूँ, ये सारी डिटेल्स हम आपके साथ डिफरेंट ट्रेनिंग्स में शेयर करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अगर आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं गोल्ड क्लब का हिस्सा बनने के बाद तो आपका कैश अवार्ड तो डबल हो ही रहा है, मोर देन डबल हो रहा है, लेकिन साथ साथ आप ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको हम गोल्ड कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसको भी क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड वंस अगेन दिस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन लंदन, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। इसके अलावा आपको इस क्लब का मेंबर बनने के बाद जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है दैट इज मोर देन डबल कैश अवार्ड जो कि 4,20,000 आपको बताया। 6 digits में अर्निंग आप लोगों की हो जाती है, 6 digit का मतलब होता है कि 1,00,000 भी हो सकता है और वो 9,99,000 तक जाता है। तो बताने का मकसद यहाँ मंथली इनकम की बात कर रहे हैं, ईयरली या बाय मंथली या क्वार्टरली इनकम की हम बात नहीं कर रहे। तो आप लोगों की इनकम जोन सी है गोल्ड डायरेक्टर बनने के बाद, और जिस तरीके से हम आपको ड्राइव करवा रहे होंगे तो यू कैन गेट अर्निंग इन 6 digits, मीन 1,00,000 से ज्यादा आपकी अर्निंग भी हो जाती है, जिसको मैं कहता हूँ थोड़ी सी स्टेबल है, जिसमें आपकी काफी ज्यादा जरूरियात पूरी भी हो जाती है। ये अर्निंग इज अ गुड अर्निंग एट इनिशियल लेवल, लेकिन वंस अगेन गोल्ड डायरेक्टर बनना भी इज नॉट अ लिमिट, आप इससे भी आगे जा सकते हैं और गोल्ड डायरेक्टर के टाइटल को भी साथ साथ एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको बोनस मिलना शुरू हो जाता है। बोनस देखिए, आप लोगों को मैंने अभी कल की ट्रेनिंग में भी बताया था, बहुत सारे उसके अंदर अटेंडेंस थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को कमीशन मिल रहा होता है, ये वो अमाउंट होती है जो कि आपके बैंक में डिस्पर्स होती है। जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं और आपके पास खुद लीडर आ जाते हैं, जब आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप लोगों को बोनस मिलना शुरू हो जाता है। और बोनस मैंने आपको बताया था कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, इट डिपेंड्स कि आपके पास जो लोग हैं जो आपकी स्पीड्स हैं वो कितना बिजनेस कर रही हैं। सो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप गोल्ड डायरेक्टर बन के आप ओरिफ्लेम बोनस जिसको हम डायरेक्टर बोनस कहते हैं उसके साथ साथ एडिशनल बोनस जिसको हम गोल्ड बोनस कहते हैं उसको भी क्वालिफाई कर जाए। जब आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप डायरेक्टर बोनस भी उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं, प्लस जो आपकी डाउनलाइन की डाउनलाइन में डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं और वो जो स्प्लिट्स आ रही होती हैं आप उनसे गोल्ड बोनस भी अर्न कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये कहने को 4% और 1% होता है, डायरेक्टर बोनस 4% होता है और गोल्ड बोनस आपका 1% होता है, लेकिन इसकी अमाउंट लाखों में बन रही होती है। तो बताने का आप लोगों को मकसद ये है कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप वाकई लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप गोल्ड डायरेक्टर अपना टारगेट सेट करें, और एक्चुअली इफ यू आर रेडी टू गिव व्हाट इट टेक्स तो फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म आई गोल्ड डायरेक्टर गोल्ड क्लब का मेंबर बन जाना। तो डू नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो अवे, लेकिन वंस अगेन डिसाइड आपने करना है। वी ऑल्सो नीड पीपल जो के सीरियस हो। ये जब आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं ना आपका नेटवर्क स्टेबल हो जाता है, आपके पास एक किस्म की पावर लैग्स बन जाती है, और फिर जब आप उनको फर्दर आगे डेवलप करते हैं तो ये लोग आगे खुद भी गोल्ड डायरेक्टर को जब टाइटल को अपना टारगेट बनाते हैं तो आपके नेटवर्क के अंदर स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, विच आई वुड से इज एन अमेजिंग थिंग। ठीक है, आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, आपने पावर लैग का कॉन्सेप्ट सुना होगा, नाम सुना होगा, हम आपको इसके बारे में भी इस क्लब के अंदर गाइड कर रहे होंगे, डिटेल में आपको इसके बारे में भी बता रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा गोल्ड क्लब, अगर आप गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं आपको पता है इसमें जो पिन मिलती है, देयर वाज अ टाइम मुझे उसकी वर्थ का नहीं पता था, आई थॉट कि इट्स अ नॉर्मल पिन बेसिकली, लेकिन दैट इज अ गोल्ड प्लेटेड पिन एक्चुअली जो कि हमारे गोल्ड डायरेक्टर्स को मिलती है। वो जो पिन है दैट इज ऑल्सो इटसेल्फ इज वेरी वेरी कॉस्टली, ऑल्दो वो आपको एक सिंबल ऑफ रिकग्निशन के तौर पर दी जाती है, लेकिन दैट इज अ गोल्ड पिन बेसिकली। सो आप लोगों को ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो आपने पहले देखी थी, अगर आप गोल्ड क्लब के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, लिहाजा गिव इट अ वेरी सीरियस थॉट कि अगर आप लाइफ में एक्चुअली सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं। रिमेंबर, आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि ओरिफ्लेम का बिजनेस इनहेरिटेबल है, और हमारे पास ग्लोबल लेवल के ऊपर इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, जहां पे पेरेंट्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, अब उनके बच्चे रन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक ऐसा बिजनेस अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर सकते हैं जिसको आपने एस्टेब्लिश किया, जिसपे आपने मेहनत की, और ये जो गोल्ड क्लब है इट इज गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ साथ आपकी ग्रोथ को स्मूथली इंश्योर करेगा ये क्लब।
अब मैं आपको ये बताता हूँ आगे चल के थोड़ी सी इसकी डिटेल्स की, व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन उसको भी डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं इसकी ड्यूरेशन क्या है रजिस्ट्रेशन की। अगर आप डिसाइड कर लेते हैं आज कि आप इसका मेंबर बनना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा जी, सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपके पास एक डेडलाइन है विच इज 31st of March। इसके बाद हम किसी की नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देर इज ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी, इसको मैं चाहता हूँ आप लोग गौर से सुने। हो सकता है कि हमारे पास हजारों में इसकी मेंबरशिप आ जाए, ठीक है, यानी कि रिक्वेस्ट आ जाए, तो फिर देर इज अ पॉसिबिलिटी। वंस अगेन आई एम नॉट सेइंग कि इस तरह होगा, लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम जो फर्स्ट लोग रजिस्टर हो रहे हैं, आपको बताओ उसके अंदर उनको प्रायोरिटी मिलती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी रजिस्टर होने की इसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करें। वैसे इसकी डेडलाइन जो उनसी है वो रजिस्टर होने की वो है जी 31st of March। इस कैंपेन का पीरियड कब है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, जैसे कि आपको पता है कि फरवरी से स्टार्ट हुआ है जो कि करंट मंथ चल रहा है, और दिसंबर 2022 तक ये पूरा का पूरा कैंपेन चल रहा है। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा मोर देन डबल कैश अवार्ड है वो उन लोगों के लिए होगा जो कि 2021 के अंदर अपना गोल्ड डायरेक्टर टाइटल क्लोज कर लेंगे। लेकिन अगर आप 2022 में क्लोज करते हैं तो फिर आपको डबल कैश अवार्ड मिल रहा है। 20,000 का डिफरेंस है, लेकिन व्हाई मिस इट, यू नो व्हाट आई मीन। आगे चल के हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप लोग 0% से लेके सीनियर मैनेजर तक के टाइटल पे मौजूद हैं, ठीक है, तो आप लोग इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। इवन कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, लेकिन आप इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ, आपको लगता है कि आप इसको हासिल कर सकते हैं, इस टाइटल को अचीव कर सकते हैं, यू कैन डू इट। इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और ऑनेस्टली आई डू हैव पीपल जिन्होंने एक साल के अंदर अंदर अपना गोल्ड टाइटल क्लोज किया इन ओरिफ्लेम विद बाय लर्निंग एवरीथिंग बाय वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट। तो अब ये ऑप्शंस, वो प्रैक्टिस जो उन्होंने फॉलो की और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, वो हम अपने गोल्ड क्लब के मेंबर्स के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस वन टाइम की 10,000 रुपीज है, जिसका हम आपको तरीकेकार भी गाइड करेंगे कि आपने जो उनसे किस तरीके से इसको रजिस्टर करना है, अभी मैं आपको उसकी भी डिटेल्स बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसकी 10,000 रुपीज फीस है। आप यकीन कीजिएगा, दिस फीस इज जस्ट टू इंश्योर द सीरियसनेस ऑफ कैंडिडेट्स। अगर आप इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू गो टू अ जिम, जब आप फीस पे करके जाते हैं तो फिर आपकी कमिटमेंट रहती है, ठीक है। व्हेन यू थिंक कि आपने एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, सम टाइम यू मिस आउट दोस थिंग्स। दिस अमाउंट इज नॉट टू अर्न एनीथिंग फ्रॉम यू, दिस इज टू इंश्योर योर सीरियसनेस अबाउट द गोल्ड क्लब मेंबर, बीइंग अ गोल्ड क्लब मेंबर, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जस्ट गिव इट अ वेरी सीरियस थॉट, क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस प्लेटफॉर्म फॉर सीरियस पीपल हु एक्चुअली वांट टू ग्रो इन देयर करियर, और वो जल्द कामयाब होना चाहते हैं, राइट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए, ठीक है जी। अब हम आगे चल के देख रहे हैं, ये एक थोड़ी सी एलैबोरेशन है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि होगा क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको दो फेजेस के अंदर भी कैश अवार्ड मिल सकता है। लेट्स से इसके अंदर आपको मिलता है एक्चुअली दो फेजेस के अंदर कैश अवार्ड है। नॉर्मल क्राइटेरिया के अंदर अगर हम कुछ अर्सा पहले चले जाए तो आपको 6 out of 12 months मेंटेन करने पड़ते थे गोल्ड डायरेक्टर टाइटल के को क्लोज करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप 3 महीने out of 6 months अपने इस टाइटल को मेंटेन कर लेते हैं, यानी कि ओपन करते हैं, दो स्प्लिट्स आपके पास आ जाती हैं, उसके बाद आप इसको 3 months मेंटेन कर लेते हैं आउट ऑफ 6 months, तो 55% ऑफ द कैश अवार्ड आपको मिल जाएगा। मतलब ये टोटल अमाउंट कितनी है, 4,20,000, मतलब ये हो गया कि 2,10,000, ठीक है, मोर देन डबल ही है ना ये। तो आपको 2,10,000 रुपया आफ्टर 3 months मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आप नेक्स्ट 3 months इसको मेंटेन कर लेते हैं आउट ऑफ 6 months, तो आपको इसका वंस अगेन 2,10,000 रुपया आपको बाकी का भी मिल जाएगा। मींस कि आपको टोटल 4,20,000 रुपया मिलेगा, ये आपको जल्द मिल रहा है। नॉर्मली आफ्टर 6 months मिलता है, लेकिन इन दिस कैंपेन आप लोगों को जो उनसे है ये मोर देन डबल कैश अवार्ड दो हिस्सों में मिले और जल्दी आपकी तरफ बढ़ रहा है, ताकि आप मोटिवेटेड भी रहे और अपने आप सक्सेस को एंजॉय भी कर सके, ठीक है। सो दिस इज समथिंग टू रिमेम्बर कि ये क्या है। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलो, हमारे पास कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने फर्स्ट 3 months 2021 में कंप्लीट कर लिए होंगे, तो उनको कितना मिलेगा, 2,10,000। लेस से ऐसे लोग जिन्होंने फर्स्ट 3 months कंप्लीट कर लिए हैं, उनके बाकी के 3 months के 1-2 महीने आगे चले जाते हैं, 3 महीने आगे चले जाते हैं,
और वो 2022 में अपना बाकी के 3 months कंप्लीट करते हैं तो उनको भी 2,10,000 के लिहाज से उनका बाकी का कैश अवार्ड मिल जाएगा जो कि मोर देन डबल है वन सेकेंड। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि अपना टाइटल फर्स्ट टाइम भी क्वालिफाई जब कर रहे होंगे, फर्स्ट 3 months कंप्लीट कर रहे होंगे अपने 2022 में, तो उनको 2 लाख रुपए का कैश अवार्ड मिलेगा जो कि एक्चुअली इन रियल माने तो वो फुल कैश अवार्ड है, लेकिन आप लोग जो कि क्लब के मेंबर होंगे आपको वो डबल होके मिल रहा है और उसका हाफ 2 लाख बनता है। फिर इसी तरह अगर आप 2022 दिसंबर तक अपने बाकी के 6 months से भी 3 months मेंटेन कर लेते हैं गोल्ड डायरेक्टर के, तो आपको बाकी का भी 50% कैश अवार्ड जो कि 2 लाख रुपया बनता है वो आपको मिल जाएगा। मीन्स के टोटल वंस अगेन अगर आप दिसंबर 2022 से पहले भी अपना टाइटल क्लोज कर लेते हैं तो आपको आपको डबल कैश अवार्ड मिलेगा जो कि 4 लाख रुपए का। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर आपको इस चीज की नहीं समझ आई डू नॉट वरी, आप अगर मेंबरशिप लेते हैं हम आपको रिपीटेडली बता रहे होंगे, वैसे बहुत ही आसान है कि आप लोगों का कैश अवार्ड मोर देन डबल हो रहा है दिसंबर 2021 से पहले अगर आप क्लोज कर लेते हैं, और अगर आप 2022 में करते हैं तो आपका वो डबल हो रहा है एग्जैक्ट जो कि 4 लाख रुपया बनता है। और वंस अगेन यहाँ पे आपको डबल ऑफ द स्पीड का भी इम्पैक्ट आ रहा है, मीन्स कि आप अगर आप 3 months आउट ऑफ 6 months मेंटेन करते हैं तो आपको हाफ कैश अवार्ड मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टाइम। मैंने आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, लेकिन डोंट वरी वंस अगेन अगर आप इस पे कंफ्यूज होते हैं तो प्लीज डोंट वरी, हम आपको इसके बारे में रिपीटेडली गाइड करते हैं, या आपके लीडर्स को पता है इसके बारे में वो भी आपको गाइड कर सकते हैं इसके बारे में। ये देखिएगा जी, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो वन बाय वन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस। जैसे कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आ रहे हैं, आप ऑफ कोर्स जब इसके मेंबर बनेंगे आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आपको जल्द सक्सेसफुल कर सकती हैं। इसी तरह जब आप लोग इस क्लब का मेंबर बनेंगे तो आप एक स्पेशल अटेंशन हासिल कर रहे होंगे मैनेजमेंट की, जिसमें मैनेजमेंट भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप लोग इसकी वर्थ क्या है बेसिकली, कि आप लोगों को मैनेजमेंट अपना टाइम दे रही है। तो आप लोगों को जब हम ये चीजें एक्स्ट्रा चीजें दे रहे हैं तो हमें वापसी में आपसे भी कुछ चाहिए, एंड ट्रस्ट मी हमें जो कुछ भी वापसी में आपसे चाहिए वो आपके अपने बेनिफिट के लिए बेस्ट है। वो क्या चीजें हैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे पास इस क्लब में वो लोग आए जो कि सीरियस है, मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ, वी नीड दोज पीपल जो कि कमिटेड है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल नॉर्मली ऐसे ही देता हूँ कि जिंदगी में ख्वाहिशात सबके पास होती हैं, हर शख्स चाहता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ जाए, उसको बहुत सारी नेमतें और चीजें मिल जाएं, लेकिन वी आर लुकिंग फॉर दोज पीपल जो अपनी ख्वाहिशात को एज अ गोल सेट करते हैं। वी नीड दोज पीपल जो कि अपने मकसद बनाते हैं, फिर उनके ऊपर प्लान करते हैं और उनकी स्ट्रेटजीज के मुताबिक वो उस पर काम करके अपने मकसद में कामयाब होते हैं। तो वी नीड दोज पीपल जो कि एक्चुअली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड दे आर रेडी टू वर्क फॉर दैट एज वेल। नॉट कि अगर आप इसके मेंबर बन जाए और आपको लगे अब आप जोन से डबल ऑफ द कैश अवार्ड आपको मिल जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। वी नीड पीपल जिनको अगर हम कोई चीज कहें, जिनसे हमको एक्सपेक्टेशन शो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इतने रिक्रूट करें, किस तरह करने हैं वो हम आपको गाइड कर रहे होंगे, लेकिन वी नीड पीपल जो कि काम करने के लिए तैयार हो, डेडिकेटेड हो। ठीक है जी, इसके बाद आपको ये बताता चलूं मैं कि हम कहते हैं हम उन लोगों को हाईली इस वक्त जोन से इनकरेज करेंगे। आप में से जितने लोग, आई नो कि आप में से मेजोरिटी जोन से फेसबुक यूजर होंगे, तो मैं उन लोगों को खास तौर पे इनकरेज करूंगा जो लोग डिजिटली आगे जा रहे हैं या सीखने की चाहत रखते हैं, तो वो लोग दे आर हाईली इनकरेज कि इस क्लब के मेंबरशिप हासिल करें, इनरोल हो, यू आर द राइट पीपल फॉर दैट, और ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। एटलीस्ट आप में वो चाहत होनी चाहिए डिजिटल होने की, आप में वो चाहत होनी चाहिए कि आप आगे बढ़े। ठीक है जी, वंस अगेन आपको बताया कि आपको डिफरेंट टास्क मिलेंगे इसके अंदर, आपने उनको फुलफिल करना है। वंस अगेन हमें इसका कोई फायदा ऐसे, अगर आपके मुझे को फायदा होगा, मेरा फायदा और मेरी अचीवमेंट ये होगी कि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, हम सबकी अचीवमेंट ये होगी अगर हम पाकिस्तान से ज्यादा गोल्ड डायरेक्टर्स बनाते हैं। तो आप लोगों को जितने टास्क देंगे वी विल हैंड होल्ड यू, वी विल गाइड यू, लेकिन इन रिटर्न वी एक्सपेक्ट कि आप उसके ऊपर काम करें। ठीक हो गया जी, आप लोगों के टास्क डिफरेंट होंगे, लाइक 0% जो होगा उसको थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसने भी सीखना भी है, हम उनको भी हैंड होल्ड करेंगे, उनको भी गाइड करेंगे, लेकिन उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप में से वो लोग जो कि 0% टाइटल पे रह चुके हैं, जो कि नए ज्वाइनर थे,
वो लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग में आपको ओरिफ्लेम के बारे में नहीं पता होता, बहुत सारी चीजों की समझ नहीं आती, बहुत सारी चीजों में लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं करने की। लेकिन अगर आप ओरिफ्लेम के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब आप उन लोगों को देखते हैं जो कि कामयाब हो चुके हैं, जो कि अच्छे तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, एंड वी हैव थाउजेंड्स ऑफ सच पीपल इन पाकिस्तान एज वेल जो कि अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में भी, तो अगर आप उन लोगों को मिलते हैं फिर आपको पता चलता है नहीं, वाकई इस प्लेटफॉर्म के अंदर जान है, ताकत है और ये हमें कामयाब भी कर सकते हैं, और लाइफ में हमारे कोई भी गोल हो वो हम ओरिफ्लेम के साथ कनेक्ट होकर पूरा कर सकते हैं। वंस अगेन बताने का आपको ये मकसद है कि एक 0% टाइटल न्यू जॉइनर को एज कम्पेयर टू समबडी जो ऑलरेडी 21% पे है, या ऑलरेडी जो उनसे वो सीनियर मैनेजर है, या 18% मैनेजर है, या 15% मैनेजर है, उनकी निस्बत थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सीख के आगे जाना है ना। तो रिमेंबर दैट थिंग, इनको डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे। इसके अलावा वो लोग जो कि इसके मेंबर होंगे, हम उन लोगों को एक अच्छे मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत जो उनसे वो चेक भी कर रहे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस को भी देख रहे होंगे, उनकी डेडिकेशन को भी देख रहे होंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि आप लोग मैक्सिमम चीजों में आप एंटर हो, आपकी अटेंडेंस, आप लोगों की प्रेजेंस, ये कंटिन्यूसली हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस के अंदर मॉनिटर भी की जाएगी। ठीक हो गया जी। अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, थैंक यू वेरी मच। और जो उनसे हम आगे की तरफ चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वो क्या है जी। एक चीज आपको पता है कि ओरिफ्लेम इज एथिकल कंपनी, हम कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी पूरा कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि आप लोग भी जो आप लोगों की बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर प्रैक्टिसेस, और जो एक आप समझ रहे रिस्ट्रिक्शंस भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिट होती है, आप उसको अडहेयर करें, आप उसकी कंप्लायंस इंश्योर करें, आप उसको फुलफिल करें। कोई इतने मुश्किल रूल्स नहीं है, आपने फेयरली चलना होता है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप सिस्टम को मिसयूज करते हैं, वॉयलेट करते हैं, कोई शॉर्टकट ऐसा ढूंढते हैं जो कि दूसरों के लिए अच्छा नहीं होता, कोई ऐसी चीज जो कि अनएथिकल है आप वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सिस्टम मेलफंक्शनिंग करते हैं, वैसे वी डोंट हैव सच पीपल इन ओरिफ्लेम। हमारे पास बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छे लीडर्स मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे ब्रांड पार्टनर्स हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इस इंटेंशन के साथ वो गलत चीज करता है कि वो सिस्टम को मिसयूज करे, तो या उनका नॉन सीरियस बिहेवियर होता है, मीन्स के बाकी लोगों के लिए भी अगर वो कोई ऐसी ऐसे कोई एक्शन से जो वो परफॉर्म करते हैं, दूसरे लोगों की अगर परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है, तो ऐसे लोगों को कंपनी विल कीप द राइट के वो उनको उनकी मेंबरशिप को रिवोक कर दे, यानी कि उनकी मेंबरशिप को खत्म कर दे और उनके प्रिविलेजेस जो गोल्ड क्लब मेंबर के हैं वो खत्म कर दे। ठीक है, तो वी नीड एज आई सेड कि सीरियस पीपल, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर कैरियर, इफ यू आर सीरियस कि आप आगे बढ़े, दिस इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं जी और डिटेल्स को, क्या आपने इसके अंदर रजिस्टर कैसे होना है। हमारे पास इसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, अभी मैं आपको उसकी भी थोड़ी ब्रीफ डिटेल्स बता दूंगा। आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी वो फॉर्म एक दफा दिखा दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए आपने इसको फिल कैसे करना है। इसमें सबसे पहले आप ये फॉर्म फिल करेंगे और आपने ड्यू डेट से पहले इसको सबमिट कर देना है। ये ऑनलाइन फॉर्म है, आपने इसके अंदर अपनी कुछ डिटेल्स को एंटर करना है और आपने वहीं से इसको सबमिट कर देना है। हमारे पास आपकी एप्लीकेशन, आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, उसके बाद अगर आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है तो आपको इसके ऊपर कंफर्मेशन कॉल या आपको किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि यू हैव बिकम मेंबर ऑफ दैट। ठीक हो गया जी। रजिस्ट्रेशन फीस इसकी 10,000 रुपीज है, इसको आपने ओरिफ्लेम के अकाउंट में सबमिट करना है, डिपॉजिट करना है 10,000 रुपीज को, और इसके लिए आप एक सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे जिसकी गाइडलाइंस हम आपके साथ अभी कम्युनिकेट भी कर देंगे। ठीक है, उस स्लिप को आपने सिर्फ उस सर्विस रिक्वेस्ट में अपडेट करना है और 10,000 रुपीज आपने ये नहीं करना है, जैसे आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप उसको व्हाट्सएप के नंबर पे भेज देते हैं, यू डोंट हैव टू डू दैट, जस्ट डिपॉजिट दैट अमाउंट और उसके बाद आपने उसकी स्लिप को एसआर में अपडेट करना है। ठीक है, उसका एसआर कैसे बनानी है वो आपको भी डिटेल्स वो भी बता देते हैं, आपके पास वो कम्युनिकेट हो जाएंगे डिटेल्स। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपको जैसा कि पता है, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो उनसी है 31st of March 2021 है। इसके बाद हम कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से खास रिक्वेस्ट करूंगा कि डू नॉट वेट टिल द लास्ट डे, आप इसको जितनी जल्दी डिसाइड करके जितनी जल्दी आप रजिस्टर करेंगे उतना ज्यादा आपका चांस है कि आप इसके अंदर एनरोल हो जाए। ठीक है, इसके बाद जी आपको पता है लास्ट डेट, वंस अगेन रिपीटेडली आपको बता रहा हूँ, ये कैंपेन जो है फेब 2021 से स्टार्ट हुआ है 2022 के एंड तक जा रहा है। कोड ऑफ एथिक्स अप्लाइज
इसके ऊपर सारे के सारे कोड ऑफ एथिक्स के जो रूल्स हैं, लाइक अगर कोई डबल मेंबरशिप लेता है, सिस्टम वेल फंक्शनिंग करता है, किसी भी तरीके से रीजॉइनिंग या निगेशन पॉलिसी के अंदर फॉल कर रहा है, ऑर्डर प्लेस करके कैंसिल करवा के आगे जाने की कोशिश करता है, दीज आर दोज थिंग्स जिनको हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे एंड स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया. वंस अगेन, नॉन सीरियस बिहेवियर की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, और ओरिफ्लेम के पास राइट होगा कि आपकी इन रीजन के ऊपर जो है किसी भी टाइम के ऊपर आपकी मेंबरशिप राइट्स को रिवोक कर दे. ठीक है जी. सो यहाँ तक आप लोगों को मैंने ब्रीफली डिटेल बताई है. आई विल बी अवेलेबल फॉर ऑल माई रीजन, माई यूटिलिटी पीपल. आप अपने लीडर्स के थ्रू अगर कोई चीज कंफर्म करना चाहें, यू कैन डू दैट. यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस क्लब, एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप में से वो लोग, आपको पता है काम करने वाले लोगों के साथ काम करने का बहुत ही मजा आता है, वो लोग जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इनफैक्ट कि एट टाइम्स आपका एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा चीजें उन लोगों से सीख रहे होते हैं जिनमें वो आग होती है आगे बढ़ने की, जिनमें वो फायर होती है. वंस अगेन, जिनकी ख्वाहिशात तो होती हैं, लेकिन उनके लाइफ में गोल्स भी होते हैं, और अगर आपके गोल्स नहीं है, आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, इस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दें. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अभी रिसेंटली ट्रेनिंग में हमने बात किया था कि डिस्कवर योर मोटिवेशन, आपकी मोटिवेशन क्या है, और उसको सामने रखते हुए, अपनी मोटिवेशन को सामने रखते हुए आपने कोशिश करनी है कि आप अपना गोल सेट करें गोल डायरेक्टर बनने का. तो अब मैं देखने के लिए जा रहा हूँ जी, यहाँ तक मेरे पास जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी है. आपको फॉर्म भी मैं भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन जो कि रेलिवेंट है वो मैं यहाँ पे जो देख लेता हूँ. मेरे पास वैसे हंड्रेड में कमेंट्स आए हुए हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कमेंट्स, एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड क्या मैं से बेतहाशा लोग इसको ज्वाइन करें. हमारे पास वो लोग जो कि मेरे पास रिपीटेड क्वेश्चन एक दफा दोबारा आ रही है वाला, कि हमारे पास बहुत सारे, आप यकीन कीजिएगा, डायरेक्टर अबव लोग हैं, गोल डायरेक्टर अबव लोग हैं जो कि इस क्लब का मेंबर बनना चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो इस एटमोसफेयर को और इस ट्रेनिंग को एंजॉय करना चाहते हैं, वो ट्रेनिंग जो कि उनको हायर मैनेजमेंट से भी मिल रही होगी, तो वो लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं. लेकिन हमारा पर्पज इस टाइम ये है कि आपकी डाउन लाइन में जितने भी लोग हैं उनको हम डेवेलप करें. जब वो डेवलप होंगे, आप लोग भी साथ साथ डेवलप हो रहे होंगे. आप अपनी टीम्स के साथ चेक भी रख सकते हैं, आप उनके साथ कनेक्टेड भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ राइट्स, कुछ चीजें हमारे गोल्ड क्लब के मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव होंगी. ठीक है, सो दैट इज समथिंग जो के गोल्ड क्लब मेंबर्स के लिए खाली. ठीक है जी, तो अब हम आपके क्वेश्चन मजीद देख लेते हैं जो मेरे पास आए हुए हैं. और डायरेक्टर्स के लिए मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ जी, पहले बताया था जी डायरेक्टर्स इसके लिए नहीं क्वालिफाई कर सकते. अगर आप लेस से पास्ट में कभी डायरेक्टर रह चुके हैं, डू डिस्कस विद योर एएसएम. मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पास्ट में कभी डायरेक्टर रह चुके हैं और देयर इज अ ह्यूज गैप उसके अंदर आया हुआ आपका, या आपका कोई ऐसा ड्रॉप केस है, यू कैन ज्वाइन अस. ठीक है, यू कैन नॉट ज्वाइन अस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फर्स्ट एंड देन वी विल कन्फर्म अबाउट इट. ठीक है, लेकिन डू कॉन्टेक्ट अस अगर आप ड्रॉप है, आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस क्लब को ज्वाइन करने में, आपको लगता है कि आप इस क्लब के मेंबर बन के इस दफा डायरेक्टर नहीं, आप गोल्ड डायरेक्टर बन सकते हैं, प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी. ठीक है, वी विल ट्राई टू टेक इट अप टू टेक दिस रिक्वेस्ट ऑफ योर्स टू आर कंट्री डायरेक्टर, और वी विल टॉक अबाउट इट. ठीक है जी, तो वैसे डायरेक्टर इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, आपको बताना चाहूँ, दिस इज जस्ट फॉर 0% टू सीनियर मैनेजर्स, उनकी एलिजिबिलिटी है. ट्रेनिंग सेशन किन टाइम के ऊपर हो रहे होंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग जोन से हैं, आप लोगों के लिए आपकी कन्वीनियंस के मुताबिक कुछ ऐसे टाइम्स रखें जिसमें वी नो कि घर में किस टाइम पे मैक्सिमम लोग बिजी होते हैं, तो हम ट्रेनिंग भी उस टाइम पे रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके पास थोड़ा सा फ्री होता है. हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपके टाइमिंग जिसके अंदर चेंज करके आप लोगों के लिए जो उनसे वो लाते रहें, और आप लोगों के लिए बेस्ट प्रोग्राम जो पॉसिबल वे में हो सकते हैं मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी प्लानिंग है. वी हैव प्लान फॉर एवरीथिंग इन द गोल्ड क्लब, तो इट्स अ वेरी गुड प्लानिंग, और बहुत अच्छा आप लोगों के लिए प्लान है अगर आप इसके मेंबर बन जाते हैं. डोंट वरी अबाउट थिंग्स, आप जब फॉर्म देखेंगे इसका, मैं आपको वो फॉर्म भी दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोग जोन से हैं आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर आपने डिटेल्स कौन कौन सी एंटर करनी है. तो लेट मी ओपन दैट फॉर्म एंड लेट मी शो इट टू यू ऑन द स्क्रीन. ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा और ये स्क्रीन गायब हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को वो फॉर्म स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूँ. देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपका कोई एक सेशन खत्म हो जाए, आप ना ड्यू टू सम इमरजेंसी जैसे कि आपने लिखा, आप उसको अटेंड ना कर सके, आपकी मेंबरशिप इस तरह खत्म नहीं होगी. हाउ वी अंडरस्टैंड इवन के आई एम वर्किंग फॉर दिस कंपनी, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाता है
इवन के इनफैक्ट अगर मैं आज का सेशन भी ना कंडक्ट कर सकता आप लोगों के लिए, अगर मेरी को मजबूरी होती तो कंपनी अंडरस्टैंड, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, वी अंडरस्टैंड कि आप लोगों को अगर कोई ट्रबल है, आपकी अगर कोई चीज मिस आउट हो जाती है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, वी विल गाइड यू, डोंट वरी. वंस अगेन रिमेंबर इट्स अ गोल्डन ऑप्शन. जी कोशिश के बावजूद भी वही, वंस अगेन मैंने आपको बताया, डोंट वरी अबाउट इट जी. अच्छा, इसके अंदर आप प्रॉफिट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको बताया डबल द कैश अवार्ड है, आप गोल्ड कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स हैं, एक्स्ट्रा टूल्स आपको दिए जा रहे हैं इस क्लब का मेंबर बन के. देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जो कि आपको मिल रही है. मजे की बात यह है कि जो बाकी की ऑप्शन है वो सारी की सारी आपके पास वैसे ही मौजूद है. आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं ना इसके अंदर आप वो बाकी की ऑप्शन मौजूद रहेंगी कि नहीं रहेंगी. बिल्कुल जी, वो बाकी की सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद रहेंगी जो कि एक नॉर्मल गोल्ड क्लब के मेंबर नहीं है, जो लोग जो बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हैं वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और वो रहेंगे, वो आपके खत्म नहीं होंगे. ठीक है, जबरदस्ती मेरे पास ये दो तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और मेरे पास रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कमेंट्स और थैंक यू वेरी मच, मैं आपको ये कह सकता हूँ इस चीज के बारे में. और अब हम जोन से, मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा और स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ लेकिन आप मेरी बात सुन सकेंगे. मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये आपको फॉर्म कैसा है जो कि आप जोन से फिलअप करेंगे और उसके बाद आपकी हम इस आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएगी. बहुत ही आसान फॉर्म है ये जो आपने फिलअप करना है. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट स्क्रीन विद यू, सिर्फ मुझे आप फ्यू सेकेंड्स दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर कर सकूं और मैं आपसे कंफर्मेशन बिल्कुल ले लेता हूं. जैसे आपको मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपसे कंफर्मेशन ले लूंगा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं कि नहीं देख सकते. सिर्फ गिव मी फ्यू सेकंड्स, फ्यू मोर सेकंड्स ताकि मैं आप लोगों के साथ ये स्क्रीन शेयर कर दूं और आपको वो फॉर्म दिखा दूं जिसको आप एक्सेस भी कर सकेंगे. इसका लिंक भी आपके साथ अभी हम थोड़ी देर में शेयर कर देंगे, फिर आप इनको फिलअप भी कर सकते हैं. आपको कोई हेल्प चाहिए हो, इट इज वेरी वेरी इजी, आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली जान सकते हैं इसके बारे में. आपको भी पता चल जाएगा कि कितना आसान है. डोंट वरी अबाउट इट. जी तो मुझे एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा अगर आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं. कैन यू सी द स्क्रीन? जी जबरदस्त, आपको गोल्ड क्लब लिखा हुआ नजर आ रहा है ये वाला, जबरदस्त. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम फातिमा, थैंक यू वेरी मच. इतनी तेजी से नाम चल रहे, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा. थैंक यू वेरी मच मैम मीरम, थैंक यू वेरी मच मैम सहर, मैम सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैं इसको थोड़ा सा ना जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आ जाए. थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन पे क्लियर नजर आ जाए. ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये फॉर्म, इट इज वेरी वेरी इजी. आपने सिंपली लिंक पे क्लिक करना है और आपके पास एक ऐसा फॉर्म जो आपको भी नजर आ रहा है स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, आपके ओपन हो जाएगा. आपने सिंपली इसमें फील्ड्स को फिलअप करना है. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. आपका मौजूदा टाइटल आपने स्क्रोल डाउन मेन्यू से एंटर करना है. अगर आप 6% पे है, 0% पे है, 21% पे, आपने सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाना. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6% को सेलेक्ट कर रहा हूँ. उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी ब्रांड पार्टनर नंबर. आपने अपना ब्रांड पार्टनर नंबर यहाँ पे आपका जो भी है वो एंटर कर देना है. फिर आपने अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देना है. ठीक है जी, कंप्लीट नेम आपका जो सिस्टम के अंदर है, जो आपका रजिस्टर्ड नाम है, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है. फिर आपने यहाँ पे अपनी डे मंथ एंड ईयर वाइज आपने सिंपली जोन सी है अपनी ओरिफ्लेम ज्वाइन करने की डेट को एंटर करना है. अगर आप वो भूल चुके हैं अपने लीडर्स अपने एएसएम से भी आप हेल्प ले सकते हैं. लेकिन आपने जो उनसे बेसिकली यहाँ पे देखिएगा आपके पास कैलेंडर भी ओपन हो जाएगा अपडेट से. जैसे 16 मैंने सेलेक्ट कर लिया, फेब सेलेक्ट किया, बाकी कैलेंडर डेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई है. फिर इसके बाद आप कितना काम स्पेंड, कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, करते हैं नॉर्मली ना ओरिफ्लेम के लिए. अगर आप डेली पे 1 घंटा स्पेंड करते हैं या 1 घंटे से कम करते हैं, यहाँ पे आपने ये छोटा सा क्लैरिकल एरर है, इसको आपने इग्नोर करना है. इट्स लेस देन 1 आवर लिखा हुआ है. ठीक है, तो अगर आप एक लेस 30-40 मिनट्स आप ओरिफ्लेम को दे रहे हैं तो आपने इस ऑप्शन को चेक क्लिक करना है. अगर आप डेली बेस पे 1 घंटा या 3 घंटे देते हैं ओरिफ्लेम को तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है.
आपने सिंपली इस फॉर्म को फिलअप करना है अपने लिहाज से, ठीक है। लेकिन आपने इसके अंदर सही इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर करके फिलअप करनी है ताकि हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। फिर वीकली तौर पे आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, हो सकता है आप वीक में 5 घंटे से भी कम स्पेंड करते हो, टोटल 7 डेज के अंदर हो सकता है कि आप 5 घंटे से 20 घंटे तक ओरिफ्लेम को देते हो। आपने अपने पसंद की ऑप्शन को जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, रियलिस्टिक और जो आप करते हैं वैसे। आपका जो रेजिडेंट सिटी है, आप जहां पे रहते हैं, आपने अपना वो सिटी मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है जी। और इसके बाद जोन सा है यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, जो आपका एक्टिव अप्रोचेबल मोबाइल नंबर है। बहुत से लोग जिनका रजिस्टर्ड फोन नंबर है उन्होंने बाजूबात अपने व्हाट्सएप पे यूजेज में वो रखा होता है, आपका वो कॉन्टेक्ट नंबर हमें चाहिए होगा गोल्ड क्लब के मेंबर की एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस करने के लिए, जिस जो कि आपके पास मौजूद है, जो कि आप आंसर कर सके, ठीक है जी। तो अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने एंटर करना है। यहाँ पे आपने रीजन जो थी वो लिखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपना नंबर एंटर कर दिया जी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो सा है, आप गोल्ड क्लब में क्यों आना चाह रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, इज इट कि आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं गोल्ड क्लब को, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपका कोई ख्वाब है आप उसको पूरा करना चाह रहे हैं, आपका कोई मकसद है, कोई ड्रीम है जो कि आप फुलफिल कर सकते हैं, आपको लगता है गोल्ड क्लब का मेंबर बन के, आपने अपना आंसर यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू लंडन, ठीक है, आपने यहाँ पे अपना ख्वाब लिखा हुआ है। अगर आपका ये है कि आई वॉन्ट टू गेट अ हाउस, आप घर अपना बनाना चाह रहे हैं, आप एक स्टेबल इनकम हासिल करना चाह रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को हज कराना चाह रहे हैं, आप अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाह रहे हैं, रिमेम्बर आप यहाँ पे जो भी रीजन लिखेंगे वो ये आपकी और कंपनी के दरमियान कॉन्फिडेंशियलिटी है जो कि मेंटेन रहेगी, ठीक है। दैट इज द फॉर्म जो कि हमारा सोलली पर्पज के लिए गोल्ड क्लब की मेंबरशिप के लिए, सो दैट विल बी कॉन्फिडेंशियल, वो सिर्फ हमारी प्रोफाइलिंग के लिए मौजूद है। तो यू कैन यू नो ओपनली टेल द रीजन कि आप इसको क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं उनका लॉन्ग टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता क्या है, जो कि आपका एक साल से ज्यादा का, एक साल तक का गोल होता है, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। तो आपको लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कई जगह पे जो है 1 साल से 3 साल तक की गोल को लॉन्ग टर्म गोल कहा जाता है। आपका कोई ऐसा गोल जो कि आपका हो सकता है गोल डायरेक्टर से अबव का भी हो, आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बी ओपन, आपका जो भी ड्रीम है, जो भी आपका ख्वाब है, यू कैन मेंशन इट हियर, ठीक है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी लोगों को आगे लेके जा रहे होंगे, बट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को जाने। इसके बाद आगे जी, आप ये जो फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इनके ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख रहा हूँ जी, बिकम अ ग्रेट लीडर इसके एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद मैं आ गया हूं जी सोशल मीडिया पे, मैं कितना टाइम स्पेंड करता हूं फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ये देखिए जी, फेसबुक आपको पता है हम एट टाइम्स 2-2 घंटे, 1 घंटा इस पे स्पेंड कर रहे होते हैं, 20-30 मिनट भी स्पेंड कर रहे होते हैं, बाजूगा हम पूरा दिन फेसबुक पे लगा देते हैं। तो आप जितना भी स्पेंड करते हैं एज एन एवरेज आपने वो मेंशन करना है। अगर आप बिल्कुल ये फेसबुक को नहीं यूज करते तो आपने ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है जी। इसके बाद इंस्टाग्राम आप कितना यूज कर रहे हैं, अगर लेस से आप लेस देन 1 आवर यूज करते हैं आपने इस ऑप्शन को कर लेना है। आप यूट्यूब पे आपका चैनल बना हुआ है, आप उसको यूज करते हैं, खाली हम ये पूछ रहे हैं चैनल बना हुआ नहीं बना हुआ, आपका अपना कोई इसके ऊपर आपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कुछ किया हुआ नहीं किया हुआ, वो इसके अंदर आंसर क्वेश्चन नहीं है। द क्वेश्चन इज कि आप यूट्यूब को यूज करते हैं और कितना करते हैं, एवरेज यूजेज आपका कितना, आपने उसको मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपकी ऑप्शन है। इसके बाद आपका एक्टिव ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी जो कि आप देखते हैं, जिसके ऊपर आपको ईमेल आती है तो आप देख लेते हैं उस ईमेल को, वो वाला आपने अपना एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। वैसे तो आपका ईमेल आईडी सिस्टम में भी एक्टिव अपडेट होना चाहिए, लेकिन अगर आपका नहीं है वहां पर भी अपडेट करा लीजिएगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पे जरूर मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपने जो आपकी मैंने आपको बताया था कि पेमेंट स्लिप है, आपने उसको अपलोड करना है SR के जरिए, ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट के जरिए, क्यूमुलस में आपने इसको अपडेट करना है। वहां पे एक स्पेशल हेडर हमने इसका बना दिया है, आपने सिर्फ स्लिप, फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपया ओरिफ्लेम के बैंक अकाउंट मिजान बैंक में जमा करा दिया, फॉर एग्जांपल उसकी जो स्लिप है वो मैं उस SR में अपडेट करके यहाँ पे अपना SR नंबर मेंशन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा SR नंबर है 7861, ठीक है, 7860, तो ये मैंने अपना 4 डिजिट का SR नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। जो भी आपका SR नंबर होगा उसमें आपने सिंपली SR के अंदर अपनी स्लिप्स को अपडेट कर देना, जो भी आप 10,000 रुपीज जमा कराएंगे, कोई ट्रबल कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टेक्ट यू, ठीक है।
इसके बाद आ गया जी एक आपसे हमें कमिटमेंट चाहिए कि आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज समथिंग कि जो कि आपकी करेक्ट है, आपने ये इस चीज की एक्नॉलेजमेंट हमें देनी है। और उसके बाद जो उनसे अगर आपको एडिशनल कमेंट्स देना चाह रहे हैं कि आई एम रियली हैप्पी फॉर एग्जांपल, कोई पॉजिटिव कमेंट्स आप देना चाह रहे हैं, कोई आप चीज अपने पास से लिखना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज एडिशनल आप मेंशन करना चाह रहे हैं, वो आप एक्स्ट्रा कमेंट्स में कर सकते हैं। और टू बी द पार्ट ऑफ दिस क्लब, ठीक है। सो ये गोल्ड क्लब जो है मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने अभी सबमिट किया है। एक ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी जो उनसे है वो मेंशन कर देता हूँ, ठीक है जी। आप अगर कोई फील्ड आपका इनकम्प्लीट होता है मैंडेटरी वाला तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता। अब ये जो उनसा है जी, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टेक्ट इन्फो, अभी मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट कर दी है। इट इज कितना टाइम लगा इसको, मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट लगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं और इसके ऊपर मैं ये सेशन खत्म करूंगा। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं, आई एम ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है और आप इसका पार्ट भी बनना चाह रहे हैं। आप लोगों का जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक चीज मैं आपको वो बता देता हूँ जो मेरे पास रिपीटेड आया हुआ है कि सर्विस रिक्वेस्ट में क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है स्लिप के लिए। आपके पास इसका जो हेडर आ रहा होगा वो इसी से रेलेवेंट आ रहा होगा, गोल्ड क्लब से, ठीक है। वो जो उनसा है आपने सेलेक्ट करना है, अपनी अपडेट कर देनी है। और अगर आप अपडेट कर रहे हो, कोई चैलेंज आता है, आप सीएस को कॉल भी कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे भी, वी विल इंशाल्लाह ताला गाइड यू अबाउट कि कौन सा आपने हेडर सेलेक्ट करना है, कोई चैलेंज भी आएगा उसके अंदर, ठीक है। आप बिल्कुल ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रांसफर अगर करते हैं तो आपने उस रिसीव में उसका स्क्रीन शॉट लेके वो आपने अपडेट कर देना है, सिंपली आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वो चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। और आपको वंस अगेन एक चीज मैंने आपको बताया कि खत्म करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा और बताऊंगा वो ये जो गोल्ड क्लब है ना, दिस इज अ कमिटमेंट, ठीक है, दिस इज अ कमिटमेंट विद योर ओन सेल्फ। ये आपकी अपनी जात के साथ एक कमिटमेंट है जो कि आपने के लिए जा रहे हैं। वी विल इंश्योर कि आपको जो पॉजिटिव सपोर्ट चाहिए, जिस तरीके से आगे जा सकते हैं, हमारी स्पेशल डेडिकेटेड अटेंशन के साथ आपको किस तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं, आपको वो सब चीजें हम इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये हर साल की ऑप्शन नहीं है, दिस इज फॉर दिस ईयर। और इस साल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, दिस इज अ परफेक्ट ईयर टू बिल्ड अप योर कैरियर विद ओरिफ्लेम। तो इसके ऊपर आप सीरियसली सोचें। एंड आई विश ऑल ऑफ यू, यू नो, एन अमेजिंग लक फॉर अ ईयर अहेड। आप लोग जो उनसे हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता करें, आप मेहनत करें, सिला आपको इसका हमेशा मिलता है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा आपको बताता हूँ, यू विल ऑलवेज गेट रिवॉर्डेड फॉर योर हार्ड वर्क इन डिफरेंट वेज। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको जाया मत होने दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी मेंबरशिप या आपकी सोच सोच में अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इफ यू आर सीरियस, वी आर वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन। गुड लक जी, एंड थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आपके प्रेशियस टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई लुक फॉरवर्ड to see maximum participation in this club, and we will inshallah ta'ala make many 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 gold directors in this year. Thank you very much. Fi manila, Allah Hafiz.